आधार इनरोलमेंट एंड अपडेट सेंटर आप लोगों को चल रहा था, बट किसी न किसी वजह से वो बंद हो गया, या आईडी इनएक्टिव हो गई, या ब्लैकलिस्ट हो गए, या अन्य किसी रीजन से। बट दोस्तों, यहाँ पे मेन मुद्दा ये उठता है कि आप फिर से इसकी शुरुआत कैसे कर पाएंगे। वैसे दोस्तों, अगर मैं एक बात बोलूं तो रूमर्स का कुछ ऐसा कहना है कि आप सीएससी से ये शुरू कर पाओगे, और मेरे को भी ऐसा लगता है कि सीएससी फिर से आपको आधार सेंटर देगी। बट दोस्तों, ये कंफर्म नहीं है कब तक, कोई पर्टिकुलर डेट एंड टाइम या कोई मंथ नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे बात आती है कि आप अभी फिलहाल में अपना आधार सेंटर कैसे शुरू कर पाओगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप आधार इनरोलमेंट सेंटर की शुरुआत कैसे कर पाओगे, वो भी आईसीआईसीआई बैंक की बदौलत। आईसीआईसीआई बैंक काफी ट्रस्टेड बैंक है, काफी जेन्युइन बैंक है और बहुत ही फेमस बैंक है। तो दोस्तों, आप इसके थ्रू कैसे आधार सेंटर की शुरुआत कर सकते हो, मैं आपसे उसी पे बात करूंगा। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे करूंगा एक अनुरोध कि अगर आप हमारे चैनल पे, आप अपने चैनल पे नए हो, कहीं से भूले भटके आए हो, तो आप यहाँ पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा लें। इससे ये होगा कि मैं जो भी वीडियो दूंगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी और आप मेरे वीडियोस को रोजाना देख पाओगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं क्या है प्रोसीजर। सब्सक्राइब करें टेक गुप्ता चैनल को और दबाएं इस घंटे को, ताकि आप देख सकें टेक्निकल और सीएससी वीडियोस सबसे पहले। सबसे पहले दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, जहां से आप आईसीआईसीआई बैंक की इस ऑफिशियल साइट पे आ जाओगे। तो दोस्तों, यहां पे आप देख सकते हो हम आईसीआईसीआई बैंक के ऑफिशियल साइट पे हैं, और साइट पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आधार इनरोलमेंट के टैब में हम हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो आधार इनरोलमेंट अपडेट एट सीएससी बैंक ब्रांचेस, तो यानी कि दोस्तों ऑल ओवर इंडिया में आईसीआईसीआई बैंक का जो भी ब्रांच है उसमें आधार इनरोलमेंट का काम होगा। कहीं कहीं पे हो रहा है, कहीं कहीं पे नहीं हो रहा है। अगर हम बात करें नहीं होने वाले ब्रांच की, तो ये दोस्तों सरासर आप पे निर्भर करता है। आपको सिंपली गूगल की मदद से या आप खुद की बदौलत जाओ और चेक करो कि आईसीआईसीआई बैंक का ब्रांच कहाँ पे है। उस ब्रांच में जाके आपको इंक्वायरी करनी होगी कि यहाँ पे आधार सेंटर वर्क कर रहा है या नहीं। अगर वर्क कर रहा है तो जाहिर सी बात है आपको सेंटर नहीं मिलेगी, अगर नहीं वर्क कर रहा है तो आपको कुछ प्रोसेस फॉलो करना होगा जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये ऑफिशियल लेटर है और यहाँ पे लिखा गया है आईसीआईसीआई बैंक हैज स्टार्टेड द आधार इनरोलमेंट अपडेट एक्टिविटीज थ्रूआउट इस टेक्नेस ब्रांचेज अक्रॉस इंडिया। यानी कि दोस्तों पूरे इंडिया में ये आधार इनरोलमेंट की सर्विस प्रोवाइड करा रही है और आधार इनरोलमेंट एजेंसी भी दे रही है लोगों को। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पे आ जाना है लिस्ट ऑफ ब्रांचेज एंड सिंपली आपको इस पे क्लिक कर देना है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, पीडीएफ के फॉर्मेट में पूरे ग्लोबली भारत में जो जो आईसीआईसीआई बैंक है सभी का डिटेल्स दिख जाएगा। वहां पे सिंपली आप जा सकते हो और उनके शाखा प्रबंधक बैंक मैनेजर से बात करोगे। यहाँ पे अगर हम बात करें तो अंडमान एंड निकोबार, आंध्र प्रदेश के बाद दोस्तों आसाम, बिहार में भी बहुत जगह है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी यहाँ पे है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी है जिसका पिन नंबर ये है। यहाँ पे सिंपली अगर मैं जाता हूँ, इंक्वायरी करता हूँ और मेरे को अगर पता चलता है यहाँ पे आधार का कैंडिडेट खाली है या आधार इनरोलमेंट एजेंसी के लिए सीट खाली है, तो सिंपली दोस्तों मैं यहाँ पे अपना आधार कार्ड सेंटर शुरू कर सकता हूँ। अगर दोस्तों आपको आईसीआईसीआई बैंक में सेंटर मिल जाती है तो काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कमाई की, क्योंकि दोस्तों अगर आप किसी शॉप पे करते हो तो वहां पे कम चांसेस होते हैं कस्टमर विजिट की। अगर यही बात हम बैंक में करें तो बैंक में आप जानते हैं आधार कार्ड का क्या इंपॉर्टेंस है। आधार कार्ड बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है और आपको एक्सेस मिल जाएगा आधार अपडेट का, आधार जनरेट का और आधार से रिलेटेड सारा एक्सेस। तो जो भी हो, आप आधार कार्ड का काम पूरी तरह से कर पाओगे। तो दोस्तों इस लिस्ट को मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, ये 29 पेज का लिस्ट है जिसमें ये पूरे स्टेट चंडीगढ़, दिल्ली
और भी बहुत सारे गुजरात, जैसे कि हम बात करें तो ए टू जेड तक के यहाँ पे कवर किए गए, आई थिंक वेस्ट बंगाल तक के होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं सबसे नीचे स्क्रॉल करता हूँ और चलता हूँ 29th वाले पेज के लिस्ट के ऊपर। तो सिंपली दोस्तों उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल और लास्ट वेस्ट बंगाल तक का लिस्ट यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों ऑलमोस्ट पूरे इंडिया को कवर किया गया है। अगर आप वर्क करना चाहते हो तो सिंपली आपको आईसीआईसीआई बैंक के बैंक मैनेजर से बात करनी होगी और उनको ये बताना होगा कि आप आधार ऑपरेटर या सुपरवाइजर हो, आपकी ये ऑपरेटर सुपरवाइजर की सर्टिफिकेट है। तो दोस्तों यहाँ पे जो डिटेल्स होते हैं, अगर आपको सेंटर अलाउ कर दिया जाता है तो आपको सीमित चार्जेस लेने हैं। अगर अदर बायोमेट्रिक अपडेट होता है तो वहाँ पे ₹29 की चार्जेस, अगर यहाँ पे डेमोग्राफिक अपडेट होता है तो ₹29 की चार्जेस, अगर यहाँ पे आधार सर्चेज या KYC से रिलेटेड कोई अपडेट होता है तो ₹11 का चार्ज आपको लेना है, उससे ज्यादा आपको चार्ज नहीं लेना है। और हम बात करते हैं किसी कस्टमर के रिगार्डिंग। तो दोस्तों अगर आप एक आधार धारक हैं, अगर आपके पास आधार कार्ड है, अगर आपको आधार अपडेट करवाना है और आपको आधार सेंटर के बारे में नहीं पता है तो सिंपली आप भी अपने ICICI बैंक में जाके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों ICICI बैंक अभी आधार सेंटर दे रही है, ये प्रोसेस अप्रोक्स 6 मंथ तक चलेगा और आई थिंक 6 मंथ में पूरे लिस्ट को फाइनल कर दिया जाएगा, पूरे को फुल कर दिया जाएगा। तो आप लोगों के पास समय है, ICICI बैंक में जाओ, उनको बताओ, उनको दिखाओ, क्योंकि दोस्तों ये अगर पेज आप ICICI ऑफिशियल का ले लेते हो, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेते हो या इसके डिटेल्स को ले लेते हो, क्योंकि दोस्तों आपको भी पता है कि बैंक मैनेजर बहुत ऐसे होते हैं जिनको इन सभी के बारे में नहीं पता है। अगर आप उनको कहोगे कि आधार कार्ड का हम काम करते हैं, हमें आधार कार्ड एजेंसी चाहिए जो आपकी बैंक दे रही है, तो वो डायरेक्ट कहेंगे कि हमको इसके बारे में नहीं पता है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने लेवल पे बैंक मैनेजर को समझाना होगा, वो समझ जाएंगे तब जाके वो आपको आधार सेंटर दिलवा पाएंगे अपने ऊंचे अधिकारी से बात करके। तो दोस्तों यही प्रोसीजर है, मैंने आपको लिस्ट दिखा दी और ये फ्रेश लिस्ट है, 2018 का लिस्ट है और ऑफिशियल ICICI बैंक के द्वारा दी गई है। अगर आप और भी जानकारी चाहते हो तो आप इसके UIDAI के साइट पे जाके भी चेक कर सकते हो। तो बस दोस्तों वीडियो में यही था, आप इतना जान लो कि ICICI बैंक आपको आधार सेंटर दे देगी, बस आपको ऑफलाइन प्रोसीजर फॉलो करना है। क्योंकि दोस्तों ऑनलाइन अगर कोई प्रोसीजर होता तो मैं आपको दिखा देता, बट ये सरासर बैंक के द्वारा है और इसका कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट नहीं बनाया गया है ऑनलाइन अप्लाई के लिए। तो सिंपली दोस्तों आपको ऑफलाइन बैंक विजिट करना होगा और आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने होंगे। डॉक्यूमेंट मैं आपको बता देता हूं, अगर दोस्तों आप ऑपरेटर सुपरवाइजर हो तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और उसका आपको जेरॉक्स कॉपी भी रख लेना होगा। सेम आपको अपना आधार कार्ड रखना है, आपको अपना पैन कार्ड रखना है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो कि आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड है उसका जेरॉक्स आपको रखना है। और साथ ही साथ दोस्तों कुछ बेसिक सी डिटेल्स जो आपको बैंक में मांगी जाएगी तो वो आपको देना होगा, जिससे प्रमाणित हो सके कि आप इसी जगह के वासी हैं। सिंपली दोस्तों आधार कार्ड से आपका ऑलमोस्ट 90% काम हो जाएगा। और दोस्तों इसमें अगर कोई फी की बात होती है, कोई चार्जेस की बात होती है, आई थिंक ये फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। अगर बैंक मैनेजर कुछ डिमांड करते हैं तो आप अपने हैंडल, आप अपने लेवल पे उसको मैनेज कर लेना। अगर कुछ 5-10 की बात हो तो आई थिंक आपको दे देना चाहिए, वैसे आप अपने लेवल पे मैनेज कर लेना जो भी हो, और आप हमें कमेंट करके बताना कि आपका बैंक मैनेजर, ICICI बैंक मैनेजर आपको क्या बोल रहा है। तो दोस्तों कमेंट में वेट करूंगा आपके कमेंट की, मैं वेट करूंगा आपके कमेंट की। तो जल्द से जल्द कमेंट करके बताएं और आप बताएं कि वाकई में ICICI आपको दे रहा है या क्या बोल रहा है, वो आप हमें कमेंट करके बताएं, क्योंकि दोस्तों ऑनलाइन प्रोसेस यही बताया जा रहा है और इसकी वेबसाइट पे भी यही दिखाई जा रही है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यही था, आशा करता हूं आपको ये जानकारी, ये सही जानकारी, क्योंकि दोस्तों मैं इसमें मसाला मिर्च लगा के नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको बोल दूं आपको दे दिया जाएगा फलाना ढिमकाना तो वो बात नहीं है, आपको अपने लेवल पे ही कुछ करना होगा तब जाके आपको मिलेगा, क्योंकि मैं आपको रास्ता बता दिया, अब इस रास्ते पे आपको खुद चलना होगा। तो दोस्तों बस कमेंट करके बताएं और हो सके तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। मैं हूं आपका अपना दोस्त अमर गुप्ता और मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। उससे पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारे चैनल को यहां पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लो, बेल के आइकन को दबा लो, इससे ये होगा कि मैं जो भी वीडियो दूंगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी और आप मेरे वीडियोस को देख पाओगे। तो कमेंट करके जरूर बताएं ICICI बैंक के मैनेजर ने आपसे क्या बोला। मिलेंगे अगले वीडियो में।
तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।